हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अक्षर आ। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अ, हमने आज पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, कौन सा स्वर पढ़ा था? अ। आज हम पढ़ेंगे आ, आज हम पढ़ेंगे आ स्वर। तो बच्चों, पहले मैं आपको शुरू से आखिरी तक स्वर बोलती हूँ, फिर आप उसके बाद हम पढ़ेंगे आ अक्षर। ठीक है बच्चों? आ, ई, ऋषि, आई, आऊ, बच्चों ये हमारे स्वर हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अ से अनार, अ अनार, अ से अखबार, अखबार, आ से अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे आ। आज हम कौन सा स्वर पढ़ेंगे बच्चों? आ। मैम आपको बताएगी अ से क्या क्या होता है। अ से आग, आ से आइसक्रीम, आइसक्रीम, आ से आलू, आलू, आ से आम, सबको पसंद है ना आम? तो ये किस कौन से स्वर से है बच्चों? आ से आम, सब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। अ से आइसक्रीम, आइसक्रीम, अ से आम, आलू, आलू, आ से आग, अब मैम आपको बताएंगी कि हम बड़ा अ कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, हम पहले बिना अक्षर के बड़ा आ बनाएंगे। ठीक है बच्चों? मैम ने हाफ कर्व किया है, फिर मैम ने एक और हाफ कर्व किया, फिर मैम ने बीच से स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर मैम ने स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर मैम ने इसके आगे एक और स्टैंडिंग लाइन बनाई। बच्चों ये क्या बन गया हमारा? आ से आम, मैम एक बार फिर से बताएंगे आपको, ध्यान से देखो बच्चों, पहले हाफ कर्व बनाना है बच्चों, फिर हमें बीच से एक और हाफ कर्व बनाना है, फिर हम बीच से स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम इसके आगे एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। क्या बच गया, बन गया बच्चों ये हमारा आ। अब मैम आपको बताएंगी थ्री लाइंस में हम आ कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, हम थ्री लाइन में बनाएंगे। हम सबसे ऊपर वाली लाइन में बनाएंगे हाफ कर्व, फिर हम एक और हाफ कर्व बनाएंगे, फिर हम बीच से स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर हम उसी के सामने एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। बच्चों ये हमारा बन गया आ। हम एक बार फिर से लिखेंगे हाफ कर्व, एक और हाफ कर्व, बीच से स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया हमारा आ। आ से आलू, आ से आम, आ आ
काइंडली असिस्ट योर वार्ड टू डू दिस वर्क एट देयर होम. थैंक यू.